सब बुजुर्गों और बड़ों को सबको मेरी तरफ से सलाम। मैं मोहम्मद अब्दुल रऊफ जानी आप लोगों से अपील कराता हूँ कि आपके घरों को अनाज पहुँचाऊँगा इंशाल्लाह ताला। आज 718 घरों को इंशाल्लाह ताला आज अनाज पहुँच जाएगा, जिसमें से हम 25 किलो का, 20 किलो का, 15 किलो का, 10 किलो का पैकेज बनाए हैं, जिसमें से 12 आइटम हैं: चावल, मीठा तेल, अदरक लहसुन, इमली, प्याज, नमक, शक्कर, पत्ती, मसूर की दाल और दीगर अशिया है इसमें। दीगर अशिया टोटल 12 आइटम्स है इसमें। और हम जो 25 किलो का पैकेज बनाए जिसमें से 10 से 11 आदमी हैं वो पैकेज बनाए, जिसमें से 7 से 9 आदमी हैं जिसको 20 किलो का पैकेज बनाए, जिसमें 15 किलो का पैकेज जो बना है जिसमें से 6 से 7 लोग हैं, जिसमें से 10 किलो का पैकेज बनाए उसमें से 2 जने भी है, 3 जने भी है। ये पैकेज इंशाल्लाह ताला आज पूरे रैन बाज़ार डिवीज़न में और अमन नगर जो पत्थरगट्टी डिवीज़न है ये पूरे डिवीज़न में पहुंच जाएगा इंशाल्लाह ताला। हम पूरे एक टीम बना है हमारी, जिसमें ज़िया, हमारे ख्वाजा ज़ियाउद्दीन जो इमली बन प्रेसिडेंट, मस्तान अली, खय्यूम जानी, महमूद जानी, सोहेल भाई, असलम भाई, ये एक हमारी एक टीम है। ये टीम में हम पूरे एक चार जगह बैठकर ये पूरी पैकिंग कर रहे हैं, जिसमें हमारे माँ और बहन भी हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। अब तक के कितने फैमिलियों को दी है? अब आज की तारीख में 718 लोगों को घरों पे ये अनाज पहुँच जाएगा इंशाल्लाह। पिछले जुम्मे से आप बांट रहे हैं? पिछले जुम्मे से लेके आज तक 400 लोगों के घरों को अनाज पहुँचाया गया है। आज 300 लोगों के घरों को इंशाल्लाह ताला अनाज पहुँचा जाएंगे। अच्छा, आपका जो टारगेट है वो टारगेट से ज़्यादा आप ताला? हम टीम में बात कर रहे हैं पूरे दोस्त हम लोग, इंशाल्लाह ताला रमज़ान भी आ रहा है और मैं मेरी फैमिली के साथ जो हर साल रमज़ान में मैं उम्रे को जाता था 15 से 20 जनों के साथ, इंशाल्लाह ताला वो भी अमाउंट है इंशाल्लाह ताला। ये कौम खिदमत का मसला है, अल्लाह हज का सवाब उम्रे का सवाब उसमें दे देंगे हमारे को, वो भी पैसा रखा हुआ है इंशाल्लाह ताला। वो भी पैसा हमारी सराउंडिंग एरिया में, हमारा ये न्यूज़ में आने का मतलब, ये मैसेज देने का मतलब कोई हमारे को ख्वाहिश नहीं है दिखाने का, लेकिन एक दूसरे भाया एक दूसरे की हेल्प करना बोलकर मैं ये न्यूज़ में बोल रहा हूँ। आप इसको ऐसा मत समझिए मैं दिखावा कर रहा हूँ, समझिए। आप लोग ये करिए कि एक चैन बनाइए, आप लोगों को अल्लाह ताला इस्तेदाद दिए। मेरे को कई दूर दूर से लोगों भी फ़ोन कर रहे हैं भाई हमारे तक नहीं पहुँचा, कई हिंदू भाया फ़ोन करके बोले मेरे को भाई सराउंडिंग में हमारे नहीं दे रहे। तो ऐसा मत करीजिए, मुसलमान भाइयाँ जहाँ हैं वहाँ हिंदू को कोऑपरेट करिए, जहाँ हिंदू भाई आए वहाँ मुसलमानों को कॉपरेट करीजिए। आप लोगों से मैं ये अपील करता हूँ, मेरा मीडिया में आने का मकसद कोई मेरा चेहरा दिखाने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह ताला ये आपके छोटे भाई को इतनी इज्जत दिया, याकूतपुरे में कहीं भी देखा तो रौफ जानी के नाम से मेरे को पहचान दे। मीडिया में आने का मकसद आप लोग एक दूसरे की हेल्प करीजिए, एक दूसरे की मदद करीजिए, अल्लाह ताला हमको नवाजने वाला है। हमारी नीयत वही है, हमारे माँ बाप की मगफ़िरत, हमारे दोस्तों में जितने भी जने उनके वालदा वालिद की सेहत, उनके घरों में जितने भी महरूम हैं उनकी मगफ़िरत के लिए कर रहे हैं। अगर अल्लाह हमारे घर की मगफ़िरत भी करे कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग अच्छे रहिए, आप लोगों से अपील है अपने अपने घरों में रहिए, अपने लोगों की हिफाजत करिए। इंशाल्लाह हमारे सराउंडिंग में हमसे जो हो सका हम आपके से कोऑपरेट करेंगे। किसी को दवाखाने के लिए जाने के लिए भी अगर 4-व्हीलर की ऑटो की ज़रूरत है, 2-व्हीलर की ज़रूरत है, हमारे से आप रब पैदा करीजिए इंशाल्लाह ताला। मैं खुद 4-व्हीलर में आकर आपको जहाँ दवाखाने को लेके जाना है लेके जाऊँगा इंशाल्लाह ताला। ये हमसे अल्लाह ताला खिदमत ले रहा हूँगा इंशाल्लाह। ये वायरस किसको क्या करने वाला है नहीं मालूम है, लेकिन अल्लाह ताला हम हिफाजत सबकी है। हम आपसे अपील करते हैं आप लोग घरों में रहिए इंशाल्लाह ताला। हम डोर वाइज जितने भी घरों पर हम ये अनाज पहुँच रहे हैं इंशाल्लाह पहुँच जाएगा। जिसको भी अगर नहीं पहुँचा इंशाल्लाह हमारा वादा है आपके घर को बराबर पहुँचेगा।